हेलो एवरीवन, अरबी की सब्ज़ी तो आपने बहुत खाई होगी लेकिन इस तरीके से बनाकर कभी नहीं खाई। अगर आप इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाकर खाएंगे तो आप रोज़ डेफिनेटली यही सब्ज़ी बनाकर खाएंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये है अरबी की शाही सब्ज़ी। इसे मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है, आप देख सकते हैं। इसे ग्रेवी भी बहुत अच्छी लग रही है, डेफ़िनेटली ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आपको ये रेसिपी फॉलो करनी है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में मेरे जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन दिया गया है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। इसे आपको मेरी सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है आधा किलो अरबी, मैंने इन्हें बिल्कुल छील लिया है और इसे धो दिया है और मैं इसको सुखा लूँगी। सुखाने के बाद मैंने इसको गोल पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर मैं इसके लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया और साथ ही आधा चम्मच मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर। इन सबको मिक्स करके मैं इस मसाले को इस अरबी में डालकर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ये सारा मसाला मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी और अच्छे से कोट कर दूंगी अरबी को इसमें और इसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। 10 मिनट बाद मैंने इसको फ्राई करने के लिए भी रख दिया है पैन में। इसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें। आप देख सकते हैं कि अरबी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब मैंने इसे एक अलग बाउल में निकाल लिया है, ये बहुत क्रिस्पी हो चुकी है। अब मैं इसके लिए ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 लहसुन की फलियाँ और 2 प्याज, इन्हें मैंने दरदरा पीस लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी बड़ी इलायची के 2 से 3 दाने। इसे इसका टेस्ट मस्त आने वाला है क्योंकि ये एक शाही सब्ज़ी है तो उसमें अगर रो मसाले ना हो तो बात नहीं बनती। इसे रो मसाले ऐड करने बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैंने प्याज और लहसुन का जो दरदरा पेस्ट है वो ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम भून लेंगे धीमी आंच पर। अब मैं टमाटर की प्यूरी बनाऊँगी। तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से पकाने के बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। हमें ये ध्यान रखना है, हमने मसाले पहले भी ऐड कर चुके हैं तो उसी हिसाब से मैंने क्वांटिटी इसमें डालनी है। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच नमक और मिर्च इसमें ऐड कर दिया है अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद और इसे अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। साथ ही अब मसाला भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच दही। इसमें दही का एक अपना ही टेस्ट आता है, इतनी मज़ेदार बनने वाली है ना ये सब्ज़ी। ये ध्यान रखें कि जब हम मसाला अरबी पे पहले कोट किया है अरबी को हमने मसाले में तो उस टाइम हमने दही नहीं डाला था, दही हम अब डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और इसको मसाले को अच्छे से पकने देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे अरबी। आपको जितने ग्रेवी बनानी हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो अब इसमें एक बॉयल आने के बाद हम इसे ढक देंगे। मैं बॉयल आ चुका है, मैं इसे ढक रही हूँ। 10 से 15 मिनट पर पकने के बाद हम देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये आप देख रहे हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। कभी ट्राई करिए आपने इस तरह से सब्ज़ी, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाए आपको बहुत मज़ा आने वाला है खाने में। अब देखें कितनी शानदार ग्रेवी बनी है, दही वाली ग्रेवी है ये। तो आपने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया होगा तो उम्मीद है कि आप ये रेसिपी देखेंगे तो आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे अपने घर में। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी स्वादिष्ट लग रही है। ये देखिए आप, मेरे तो मुँह में बहुत पानी आ जाता है इस सब्ज़ी को देखते ही। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने घर में ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। हमारी वीडियोस ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच।